दुनिया का एकलौता देश जहां एक भी मुस्लिम नहीं है, नाम जानकर चौंक जाएंगे आप। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके अनुयायी पूरी दुनिया में रहते हैं। इस्लाम के अनुयायी मुस्लिम कहलाते हैं और उन्हें इस्लाम के प्रवचनकर्ता और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उपदेशक भी माना जाता है। इस्लाम का मूल धर्म ग्रंथ कुरान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा देश है जहां भी मुसलमान एक भी नहीं रहते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, उस देश में मुसलमानों का एक भी धार्मिक स्थल भी नहीं है। इस देश में जितने भी लोग रहते हैं सब ईसाई है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां पर एक भी मुस्लिम आबादी नहीं रहती है। इस सवाल के जवाब में लोगों ने कई देशों के नाम लिए, लेकिन आधिकारिक तौर पर सिर्फ वेटिकन सिटी ही एक ऐसा देश है जहां पर एक भी मुस्लिम आबादी नहीं रहती है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इस देश की आबादी ही बहुत कम है। वेटिकन सिटी में सिर्फ क्रिश्चियन को मानने वाले लोग रहते हैं। वेटिकन सिटी ईसाइयों के लिए एक पवित्र शहर है। इस देश की आबादी लगभग 800 है। वेटिकन सिटी का मुख्य धार्मिक और सामाजिक आधार ईसाई धर्म पर आधारित है और वहां केवल ईसाई धर्म के प्रशंसक और चर्च के संबंधित अधिकारी निवास करते हैं। हालांकि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार वेटिकन के अलावा दुनिया में 47 ऐसे देश हैं जहां एक भी मुसलमान नहीं रहता है, लेकिन ऐसा हो सकता हो कि वहां मुस्लिम पहुंच जाते हों और उनकी गिनती नहीं हो पाती हो।